हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुथे हुए आटे से पापड़। तो बिल्कुल दूध के जैसे सफ़ेद पापड़ बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना, प्लीज़। 2 मिनट लगेगी चैनल को सब्सक्राइब करने में। और तो चलते हैं हम गुथे हुए आटे से पापड़ बनाने की तैयारी में। तो यहाँ देखिए, हमने ये गुथे हुए आटा को एक बाउल में रख दिया है और इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी हमें उतना ही डालना है कि आटा हमारा अच्छे से डूब जाए इसमें पानी में। तो अब इसको हम अच्छे से हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे। अगर आपने आटे को फ्रिज में रख रखा है तो 1 घंटे पहले आप बाहर निकाल के रख दें तो आटा बहुत ही अच्छे से मुलायम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आटे को पहले ही फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिया था। तो यहाँ देखिए, हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब इसको छान लेंगे। तो छानने के बाद में हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये हम 1 घंटे के बाद चेक करेंगे आटे को। तो यहाँ देखिए, हमने 1 घंटे के बाद आटे को चेक किया तो देखिए जो आटा था वो नीचे बैठ गया और जो पानी था देखिए ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से चम्मच से हम पानी को निकाल लेंगे। तो यहाँ जो आटे के ऊपर पानी है ना, इसके सारे पानी को हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। तो यहाँ देखिए, हमने पानी को निकाल लिया और आटे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो अब हमने अच्छे से आटे को भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल डाल करके पहले आटे को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हमने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है और इसमें जो हमने आटा अभी तैयार किया था ना, आटे को इसमें डाल देंगे पैन में और इसको चला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डाल करके आटे को पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। तो आटे को हम पका लेंगे, आटे का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाएगा। तो यह देखिए, हमने इस तरीके से आटे को पका करके तैयार कर लिया। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर से बना करके तैयार करना फ्रेंड्स, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कम समय में ये पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यह देखिए, हमारा आटा भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो जब तक कि हमारा आटा ठंडा होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए एक थाली ली है, उसको पलट करके उसके ऊपर तेल लगा लेंगे तो जो हमारे पापड़ है ना वो चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम थाली के ऊपर ब्रश से तेल लगा लेंगे पहले। तो यहाँ तेल लगाने के बाद में अब इसके ऊपर पापड़ बना लेंगे। तो यहाँ हल्का ठंडा हो गया तो अब हम इसके बना लेते हैं पापड़। तो यहाँ हमने देखिए छोटा चम्मच लिया, उससे इस तरीके से हम छोटे छोटे पापड़ बना लेंगे। पापड़ यहाँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो हम यहाँ छोटे छोटे पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पापड़ बना करके हम इसको धूप में सुखा देंगे। तो यहाँ देखिए, हमने 2 दिन की इसके धूप लगाई थी तो इसमें हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए थे। तो हम इसी तरीके से सारे पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमने थाली पर ये पापड़ बना करके तैयार किए। आप चाहते हैं पॉलिथीन के ऊपर भी तेल लगा करके इसी तरीके से सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसी तरीके से सारे पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं। तो
तो बनाने के बाद में ये हमने इनको 2 दिन की धूप लगा ली थी, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे 2 दिन की धूप में। तो 2 दिन की धूप लगाने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको 2 दिन की धूप लगा करके पापड़ को अच्छे से सुखा लिया था। तो ये देखिए कितनी अच्छे से सूख गए हैं और बिल्कुल दूध के जैसे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक करके पापड़ को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से हमने जितने भी हमें फ्राई करने थे उतने पापड़ हमने फ्राई कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना।